तो लास्ट क्लास में हम लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाला पूरा सब्जेक्ट में हम लोग का हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि अगर गुड्स का बात करें तो गुड्स कितने टाइप के हो सकते हैं एज पर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स कितना टाइप का हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक लिखा हुआ है फाइनल गुड्स और एक लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इतना सा डिस्कशन आज हम लोगों को करना है, बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है। फाइनल गुड्स बोलने का मतलब क्या हुआ सर? ऐसा कोई सामान जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ भी और करने का ज़रूरत नहीं है और फाइनली उसको कोई ना कोई क्या करेगा, इस्तेमाल कर लेगा। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी सामान जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसके ऊपर और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है और अब सिर्फ एक ही चीज़ होगा, कोई ना कोई दुनिया में उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ये इस्तेमाल करने वाले लोग कौन हो सकते हैं सर? ये हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, या फिर ये बिजनेस फर्म्स भी हो सकते हैं। इन सामानों को फैक्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सामानों को घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अब इसके ऊपर कोई दूसरा काम नहीं होगा, कोई दूसरा प्रोसेस इसके ऊपर नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली इसको इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कौन है, किसान, एक फार्मर है और इसके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसका एक खेत है और उस खेत में इसने क्या किया, कुछ फसल उगाया। क्या है, मान लो वीट, गेहूं उगाया इसने। और गेहूं उगाने के बाद ये क्या किया, इस गेहूं को एक इसने बोरे में पैक किया और बोरे में पैक करके कहाँ चला गया, मार्केट में चला गया, मार्केट में बैठा हुआ है। अब मार्केट में सामने से बहुत सारे क्या लोग आ रहे, बताओ, कस्टमर्स आ रहे, ठीक। ये कस्टमर्स लोग फार्मर को गेहूं के बदले पैसा देंगे और गेहूं घर लेके जाएंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। क्या कस्टमर्स के घर जाने के बाद दोबारा वीट के प्राइस में कुछ भी एडिशन होगा? क्या कस्टमर्स दोबारा किसी और को बेचेंगे? आंसर इज नो। भाई हम अपने घर में लेके आए और घर में उसको क्या कर लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया। तो वीट अभी हमारे लिए कैसा गुड्स है? फाइनल गुड्स है। जो फाइनल गुड्स किसने इस्तेमाल कर लिया, हाउस होल्डर ने इस्तेमाल कर लिया, कस्टमर्स ने इस्तेमाल कर लिया। सेम एग्जाम्पल रखते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगेन कौन है, कस्टमर ही है, मतलब कि फार्मर ने बेचा है वेट किसी इंसान को, मगर उस इंसान ने इस वेट को इस्तेमाल नहीं किया। अब बोलते कि ये जो कस्टमर भाई साहब है ना, इसका एक आटे का मील था, ठीक है, और ये भाई साहब क्या करेगा ना, गेहूं को अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेगा, ये गेहूं कहाँ लेकर के जाएगा, अपने मिल में लेके जाएगा और फिर मिल में इस गेहूं से वो क्या बनाएगा, आटा बनाएगा, और फिर आटा बनाने के बाद ये किसको बेचेगा, किसी कस्टमर को बेचेगा। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को एक चीज़ समझाओ कि जो फाइनल यूज़र है वो गेहूं इस्तेमाल कर रहा है या फिर आटा इस्तेमाल कर रहा है? आटा इस्तेमाल कर रहा है। तो अब अपने लिए फाइनल गुड्स क्या हो गया, आटा बिकम्स द फाइनल गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर के घर से देखो वो और कहीं नहीं जाने वाला, कंज्यूमर के घर में गया, खत्म। मान लो कि सर जिस इंसान को हमने आटा बना के बेचा उसने भी अपने घर में आटा इस्तेमाल नहीं किया, ये आटा उसने किसको सप्लाई कर दिया, डोमिनोज वाले को सप्लाई कर दिया। फिर डोमिनोज ने इस आटे को इस्तेमाल करके क्या बनाया, पिज्जा बनाया और पिज्जा बेचा। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही कस्टमर के टेबल पे पिज्जा आया, क्या ये पिज्जा दोबारा अब किसी भी और चीज में कन्वर्ट होगा? नहीं सर, वो तो अब डायरेक्टली पेट में जाएगा, खत्म होने का है, अब उसमें और कुछ भी एडिशन नहीं होगा, मतलब कि अभी कंप्लीट स्टेज पे है, इसके आगे और इसमें कुछ भी नहीं होना बाकी है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि आटा फाइनल गुड्स था या नहीं था? आटा भी फाइनल गुड्स नहीं था, बिकॉज उसके अंदर भी कुछ एडिशन हुआ।
तो जब तक किसी प्रोडक्ट में एडिशन होते रहेगा तब तक वो क्या नहीं है, फाइनल नहीं है। फाइनल गुड्स उसको तब बोला जाएगा जब भैया वो लास्ट स्टेज पे आ चुका है, अब उसके अंदर कुछ एडिशन होना बाकी नहीं है। कोई तकलीफ इसमें? चलो, तो अगर आटे को सर फाइनल गुड्स नहीं बोलेंगे तो फिर उसको कैसा गुड्स बोलेंगे? तो आटा को बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, ऐसा सामान जो अभी कंप्लीट स्टेज पे नहीं है, जिसमें अभी कुछ जुड़ना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स दो तरीके का होगा, या तो फाइनल या तो इंटरमीडिएट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने कहीं से रॉ मटेरियल परचेस किया और रॉ मटेरियल परचेस करके क्या बनाया? मोबाइल फोन्स। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझना कि अब इस फैक्ट्री के पास दो ऑप्शन था, ये मोबाइल फोन किसको किसको सेल कर सकता था। बात करते हैं, इसने पहला एग्जांपल सेल किया मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कौन है? भाई मेरा नाम है एक्स, मैंने मोबाइल फोन खरीदा और उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा, फैक्ट्री ने मोबाइल फोन किसको बेचा? एबीसी स्टोर्स को। एबीसी स्टोर क्या करेगा, मोबाइल फोन इस्तेमाल करेगा? नहीं, वो अपने दुकान में मोबाइल फोन बेचेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मिस्टर एक्स ने ये मोबाइल फोन खरीदा तो फिर ये मोबाइल फोन किस कैटेगरी में आएगा, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? फाइनल गुड्स। मान लो कि फैक्ट्री ने मोबाइल फोन कितने में बेचा था, 5,000 रुपये में बेचा था। क्या मिस्टर एक्स इस 5,000 में कोई अमाउंट ऐड करेगा, किसी और को बेचेगा? नहीं सर, मैंने 5,000 दिया, अब मैं इसको सीधा क्या करूंगा, यूज करूंगा, बस दैट्स इट। लेकिन 5,000 में फैक्ट्री ने ये फोन किसको दिया था? एबीसी स्टोर को दिया था। अब एबीसी स्टोर क्या करेगा, इस 5,000 रुपये में और 500 रुपीज़ ऐड करेगा और 5,500 में फिर ये मोबाइल फ़ोन किसको बेचेगा? किसी कस्टमर को बेचेगा। मतलब कि अभी इस मोबाइल फ़ोन में कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी था या नहीं था? था सर, एबीसी स्टोर ने भी इसमें कोई वैल्यू ऐड किया है। मतलब कि ये मोबाइल फ़ोन को अभी हम फाइनल गुड्स नहीं बोल सकते। यही सेम मोबाइल फ़ोन जब 5,500 में एबीसी स्टोर ने किसको बेचा, किसी कस्टमर को बेचा, तो वो क्या बन गया? फाइनल गुड्स बन गया। बिकॉज सर इसके बाद ना अब उसमें और कुछ एडिशन नहीं होगा। तो देखो, जब फैक्ट्री ने एबीसी स्टोर को दिया था तो भी मोबाइल फोन देखने में उतना ही था, जब एबीसी स्टोर ने कंज्यूमर को दिया तो भी मोबाइल फोन देखने में उतना ही था। मोबाइल फोन में कोई चेंजेस नहीं आया, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आया। भाई जब वीट से आटा बना था तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया था, यहाँ पे मोबाइल फोन ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। स्टिल पहले स्टेज पे मोबाइल फोन वॉज इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी था। सेकेंड स्टेज में जब दोबारा मोबाइल फोन बिका तो वो क्या बन गया, फाइनल गुड्स, क्योंकि सर अब उसमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है, इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करके बेचना जरूरी है या उसको उसी रूप में भी बेच सकते हैं? सर हम उसी रूप में बेच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल किसका लिया, मोबाइल फोन का, कि मैंने जिस रूप में परचेज किया उसी रूप में बेच दिया। और कन्वर्ट करके भी बेच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल किसका लिया, आटा का, मैंने वीट खरीदा और क्या बेचा, आटा। चलो देखते हैं फाइनल गुड्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जिनका प्रोडक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, विच आर रेडी फॉर, जो अब इस्तेमाल करने के लिए क्या है, तैयार है, और इनको इस्तेमाल कौन करेगा, फाइनल यूजर्स। यहाँ पे प्लीज कंज्यूमर्स मत लिख देना, फाइनल गुड्स का मतलब वो नहीं होता है जो कंज्यूमर्स इस्तेमाल करता है, फाइनल गुड्स का मतलब जिसको कोई ना कोई फाइनली इस्तेमाल कर लेगा, उसके ऊपर और कुछ एडिशन नहीं होने का है। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक देखो ये अपने को क्या नजर आ रहा है, एक दिस इज अ मशीन। किस चीज का मशीन है? नोटबुक बनाने का मशीन है, जो नोटबुक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक बनाने का मशीन है।
तो ये नोटबुक बनाने का मशीन किसी ने आशीर्वाद के रूप में तो आपको दिया नहीं होगा, आसमान से तो टपका नहीं है, किसी ना किसी ने इस नोटबुक मशीन का भी क्या किया है, प्रोडक्शन किया। तो चलिए, इस नोटबुक मशीन का प्रोडक्शन हुआ और इसको इस्तेमाल कौन करेगा? क्या हमारे जैसे लोग इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे या फिर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होगा? सर फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होगा, हमारे जैसे लोग इस मशीन का क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो पहला तो ये समझो कि इस मशीन को इस्तेमाल कौन करेगा, कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स? इसको इस्तेमाल करेंगे प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस मशीन को दोबारा बेचा जाएगा? नहीं सर, हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी चीज में? सर मशीन को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, मशीन तो जिंदगी भर इसी रूप में रहेगा। हाँ, मशीन में हम लोग पेपर डालेंगे और यहां से क्या निकलेगा, नोटबुक निकलेगा, लेकिन मशीन जिस रूप में मैंने खरीदा है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। यानी कि ये मशीन किस स्टेज में है अभी? क्या हम बोल सकते थे मशीन इज इन द फाइनल स्टेज? अब इसके अंदर और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फैक्ट्री वाला इसके अंदर 5,000 10,000 का वैल्यू ऐड करके उसको दोबारा बेचेगा भी नहीं। जिस रूप में मैंने खरीदा, मैं खरीद के उसको क्या करूंगा, यूज कर लूंगा। तो यहां पे वी कैन से दैट फैक्ट्री इज द फाइनल यूजर ऑफ दिस मशीन। क्या ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? जिस तरीके से मान लो जो शर्ट हम लोगों ने पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, क्या ये कोई फाइनल गुड्स है या नहीं है? दिस इज फाइनल गुड्स, बिकॉज अब इसके अंदर और कुछ ऐड होना बाकी नहीं है। इसको हमने पैसा दिया और इसको डायरेक्टली क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। अगर यही शर्ट मैंने पैसा देकर के खरीदा होता मगर इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा था, अभी इसके अंदर हम 50 रुपये और ऐड करेंगे और किसी और को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तब ये गुड्स अभी क्या नहीं है, फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से ये नोटबुक बनाने का मशीन मैंने खरीदा, खरीदा तो क्यों, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है क्या? आंसर इज नो। सर इसमें हम 50,000 रुपये ऐड करेंगे, किसी और को बेच देंगे, तो जब वैल्यू ऐड होना बाकी है तो फिर ये कैसा गुड्स हुआ, इंटरमीडिएट। लेकिन नहीं सर, हम इसमें वैल्यू ऐड करके किसी को बेचेंगे नहीं, मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यही गुड्स मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। क्लियर हो रहा है चीज? क्या लिखा हुआ देखो, फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है सर, वो गुड्स जिनका प्रोडक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ करना बाकी नहीं है, एंड विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। अब ये फाइनल यूजर कौन हो सकते हैं? कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। कंज्यूमर्स, दीज गुड्स आर फाइनल एंड कंप्लीट एंड आर यूज बाय द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल शर्ट, ब्रेड एटसेट्रा। कभी कोई फैक्ट्री ब्रेड खरीदेगा क्या? ब्रेड तो हमारे जैसे लोग खरीदेंगे, घर में खरीदेंगे, शर्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा फाइनल गुड्स है जिसके ऊपर कुछ करने का जरूरत नहीं है, और किसने खरीदा, हाउस होल्डर ने खरीदा, घर वाले लोगों ने खरीदा। ऐसे चीजों के ऊपर जब कंज्यूमर लोग अपना पैसा खर्च करते हैं तो उस खर्च का नाम क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोगों ने सीखा था कि जितने भी इनकम होता है, जितना भी फैक्टर इनकम होता है किसको, हाउस होल्ड को, वो फैक्टर इनकम फिर वो लोग क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने में, और उस खर्चे को क्या बोलते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता था। याद करोगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये वर्ड हम लोग एक बार सीख चुके हैं, यहां पे दोबारा सीखेंगे कि जब फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करते हैं कौन, हाउस होल्ड वाले लोग, तो उस गुड्स को, उस खर्चे को क्या बोला जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बोलते हैं कि फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा कौन खर्च कर सकता है, कंज्यूमर के अलावा फर्म्स भी खर्च कर सकते हैं। दीज गुड्स आर फाइनल एंड कंप्लीट एंड आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स और फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर। क्या लगता है ट्रैक्टर में कुछ ऐड हुआ जाता है, कुछ ऐड करते क्या ट्रैक्टर में, या ट्रैक्टर खरीद के लाएंगे और उसको खेत में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? खरीद के लाएंगे और खेत में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ट्रैक्टर कैसा गुड्स है, फाइनल है या नहीं है? फाइनल गुड्स है। बट ये ट्रैक्टर हाउस होल्ड वाले यूज करेंगे या प्रोड्यूसर लोग यूज करेंगे? प्रोड्यूसर लोग यूज करेंगे फसल उगाने के लिए, तो ट्रैक्टर कैसा गुड्स हुआ, फाइनल गुड्स तो है लेकिन इसको इस्तेमाल कौन करेगा, प्रोड्यूसर लोग इस्तेमाल करेंगे, तो वी कैन से दैट दिस इज अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड।
ऐसी चीजों के ऊपर जब हम खर्च करते हैं तो इस खर्चे को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें एक चीज लिखा था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो सी क्या था सर? यही रहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, और ये आई क्या है? ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज आई। ठीक है, चलो तो फाइनल गुड्स क्या हुआ सर? अगर स्क्रीन के ऊपर ना जाए हम लोग बिना देखे बात करें कि फाइनल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जिनका प्रोडक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और जो तैयार है किस चीज के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और उसको इस्तेमाल कौन करेगा? फाइनल यूजर। ये फाइनल यूजर कौन होता है? कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स? कोई भी हो सकता है। अगर कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे इट इज द फाइनल कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड। एग्जाम्पल, ब्रेड, बटर, टी शर्ट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब किसका गुड्स है? कंज्यूमर्स का। हाउस होल्ड इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी एक मशीन है जिस मशीन से हम क्या करते हैं, जूस बनाते हैं। मान लो तो जूस मेकर कैसा गुड्स हुआ बताओ, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स? अगर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स, और अगर मेरा दुकान है जूस मेकर खरीद के मुझसे जूस बना के बेचते हैं तो फिर ये कैसा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स। सेम सामान कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है, ये समझना है अपने को। क्लियर हो रही है चीज? अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? वो सामान जो मैंने बनाया लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, अभी उसमें कुछ होना बाकी है। जैसे वापस से बात करते हैं फार्मर का। फार्मर ने क्या बनाया? वीट। मगर क्या अभी ये इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? बोला नहीं सर, अभी ये तैयार नहीं है। अभी ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? आटे में। फिर इस्तेमाल क्या होगा? आटा इस्तेमाल होगा। तो फिर ये वीट कैसा प्रोडक्ट हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, क्योंकि अभी इसके प्रोडक्शन के अलावा इसमें कुछ और काम बाकी है। या तो इसका कन्वर्ट होना बाकी है, या तो इसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। दोज गुड्स जिनका प्रोडक्शन इज येट टू कंप्लीट, जो अभी भी प्रोड्यूस होना बाकी है, एंड विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। सम वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू सच गुड्स, अभी भी इसमें कुछ वैल्यू एड होना बाकी है। अब बोलते कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पढ़ा हुआ है, अब लिखे हुए चीजों को खाली देखना है। दीज गुड्स आर परचेस्ड बाई वन फर्म फ्रॉम, अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, इसको कंज्यूमर खरीदता ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर बेचने का काम भी नहीं करेगा और कंज्यूमर फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का काम भी नहीं करेगा। कंज्यूमर तो सिर्फ एक काम करता है, इस्तेमाल करने का। समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर ऐसा गुड्स कभी खरीदेगा ही नहीं। ऐसा गुड्स अगर खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? सिर्फ एक बिजनेस फर्म खरीदेगा। अब बिजनेस फर्म क्या करेगा? आइदर इसको क्या कर देगा? रीसेल कर देगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि एक्स ने एक शर्ट खरीदा किससे? वाई से। कितने रुपए में? 400 रुपए में। क्या उसने इस शर्ट में कुछ भी नया काम किया? सर नया काम कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें 100 रुपये ऐड कर दिया। मैंने 400 रुपये में क्या किया? सिंपली एड्स रुपीज 100, और फिर उसको रीसेल कर दिया कितने में? 500 रुपये में। तो 400 रुपये वाला शर्ट फाइनल है या नहीं है? सर 400 रुपये वाला शर्ट फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी उसमें कुछ ऐड होना बाकी था। समझ में आ रहा है? 100 रुपये ऐड होकर के जब 500 रुपये का हो गया, तो क्या अभी भी इसमें कुछ ऐड होना बाकी है? सर मान लीजिए ना कि हमने 500 रुपये में भी फिर किसको बेचा? किसी एक शॉपकीपर को बेचा। मान लो ये कौन था? होलसेलर था। ठीक है, होलसेलर ने 500 रुपये में शर्ट किसको बेचा? एक रिटेलर को बेचा, शॉपकीपर को बेचा। तो अभी बताओ ये फाइनल गुड्स है क्या? अभी भी नहीं है, क्योंकि ये शॉपकीपर दोबारा क्या करेगा? उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा और फिर कस्टमर को बेचेगा। तो याद रखना, जब तक कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है तब तक वो कैसा गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर लिखा है कि हम इस गुड्स को बेचेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हम इस गुड्स को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट भी कर
कर सकते हैं, वी कैन यूज इट एज अ रॉ मटेरियल। जैसे एक्स ने क्या परचेज किया, वीट परचेज किया, किससे? फार्मर से। और इस वीट का इस्तेमाल करके उसने क्या बनाया, आटा बनाया, और फाइनल कस्टमर्स को क्या बेचा, आटा बेचा गया। तो दिस फ्लावर इज द फाइनल गुड्स, क्योंकि ये किसको बेचा हमने, कंज्यूमर्स को। और वीट जो था, जो किसने बनाया था, फार्मर ने। क्या फार्मर का वीट फाइनल गुड्स हुआ? नहीं हुआ सर, क्योंकि अभी उसमें कुछ होना बाकी है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या बोला जा सकता है, दीज आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म आइदर फॉर रीसेल या फिर यूज एज अ रॉ मटेरियल। एकदम सिंपल चीज है। अब बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट समझना मेरा। मान लो कि ये कौन है, फार्मर। फार्मर ने क्या बनाया, वीट, और ये वीट बेच दिया उसने मिस्टर एक्स को कितने रुपए में, 100 रुपए में। मेरा पहला सवाल है कि ये वीट फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? बोलो सर, डिपेंड करता है। अगर एक्स कौन है, कंज्यूमर है, ये अपने किचन में लेके जाएगा और वीट इस्तेमाल कर लेगा, खा लेगा, तो यही वीट क्या हो गया, फाइनल गुड्स। और अगर मिस्टर एक्स क्या है, ये एक बिजनेसमैन है, अभी ये इस वीट को कहाँ लेके जाएगा, अपने फैक्ट्री में लेके जाएगा, और फैक्ट्री में इस वीट से क्या बनाएगा, मान लो आटा बनाएगा, तो फिर ये वीट क्या हो गया हमारे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सेम गुड्स फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अब बताओ ये आटा कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? सर अगर आटा घर में चला गया और किचन में इस्तेमाल हो गया तो कैसा गुड्स, फाइनल। सर ये आटा तो हमने डोमिनोज वाले को बेच दिया, फिर डोमिनोज वाले ने इस आटे को इस्तेमाल करके क्या बनाया, पिज्जा बनाया, तो बताओ ये आटा कैसा गुड्स हो गया, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि अभी इसमें कुछ होना बाकी है। चलो तो अब बात करते हैं, ये एक्स ने आटा किसको बेचा, डोमिनोज वाले को, तो कितने रुपए में बेचा होगा, मान लेते हैं 150 रुपए में। फिर डोमिनोज वाले ने आटे के प्राइस में कुछ और प्राइस ऐड किया और फिर पिज्जा बेच दिया किसको, कितने रुपए में बेच दिया, 350 रुपए में। ठीक है, आराम से समझना। फार्मर ने वीट बनाया और वीट बेचा मिस्टर एक्स को कितने में, 100 में। फिर इस वीट के ऊपर में कुछ प्रोडक्शन का एक्टिविटीज किसने किया, मिस्टर एक्स ने, इसमें कुछ एडिशन किया और किसको बेच दिया, डोमिनोज वाले को बेच दिया, कितने में, 150 में। फिर डोमिनोज वाले ने उसके ऊपर कुछ सब्जी, कुछ चीज, ये सब डाला होगा और किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया, कितने में, 350 में। तो बताओ कि टोटल इंडिया में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, इंडिया में टोटल कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, बोल सकते 100 + 150 + 350। फार्मर ने 100 रुपए का क्या बनाया, वीट बनाया, मिस्टर एक्स ने 150 रुपए का क्या बनाया, आटा बनाया, और डोमिनोज वाले ने 350 का क्या बनाया, पिज्जा बनाया। क्या इन तीनों को ऐड करना सही रहेगा या गलत रहेगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत रहेगा। क्यों भाई, मिस्टर एक्स ने आटे के लिए कितना पैसा लिया, 150। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या एक्स का 100 रुपया खर्च हुआ था, अरे वीट खरीदा था ना बेचारा, तो 100 रुपया तो उसका क्या हो चुका था, खर्च हो चुका था ऑलरेडी। तो यानी इस 150 रुपये में से 100 रुपया तो बेचारे ने किसका लिया, वीट का लिया, अपनी एक्स्ट्रा मेहनत का इस बेचारे ने कितना पैसा लिया, 50 रुपया लिया ना भाई। 100 रुपये मेरे जेब से लगा था, मैंने आपसे कितना लिया, 150 रुपया, तो मैंने अपनी मेहनत के लिए कितना लिया, 50। अब उसी तरीके से बताओ कि डोमिनोज वाला जो है वो कस्टमर से 350 रुपया तो ले रहा है, लेकिन अपना मेहनत के लिए कितना पैसा ले रहा है, 200 रुपये तो ले रहा है, क्योंकि 150 तो किस चीज़ में लग चुका है ऑलरेडी, आटा में खर्च हो चुका है। तो मैंने एक्स्ट्रा जो मेहनत किया, उस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए मैंने आपसे कितना पैसा लिया, 200 रुपये लिया। तो अब बताओ कि फार्मर का कितना रुपये खर्च लगा था, 0।
फार्मर का खर्च कितना लगा था? जीरो। और बेचा उसने कितने में? 100 में। यानी जीरो से कहां पहुंच गया सामान? 100 में। यानी कि इसने कितना रुपया एडिशन किया? पूरा 100 रुपया इसने एडिशन किया। ठीक। मिस्टर एक्स ने जब डोमिनोज वाले को बेचा तो एक्स ने कितना एडिशन किया? 50 रुपया। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, डोमिनोज वाले ने जब कंज्यूमर को बेचा तो कितना एडिशन किया? 200 रुपया एडिशन किया। तो अगर हम ये बोले कि भाई फार्मर का प्रोडक्शन 100 रुपये का, इस आटे वाले का प्रोडक्शन कितने रुपए का है? 50 रुपये का, और डोमिनोज वाले ने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया? 200 रुपये का, तो क्या गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही है। अगर हम इन तीनों का प्रोडक्शन को काउंट कर लें तब तो ऐसा लगेगा कि कितने रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ है? 600 रुपए का। तो यहाँ पे गलत है सर। एक बार तो आपने ऑलरेडी आटा को काउंट कर लिया, जब दोबारा डोमिनोज के पिज्जा को काउंट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आटा 2 बार काउंट हो गया? एक बार तो 150 रुपये आपने आटे का काउंट कर लिया, फिर 350 आपने किसका काउंट कर लिया? पिज्जा का। अभी 350 के पिज्जा में तो ऑलरेडी 150 रुपये क्या है? इंक्लूडेड है। सर अगर आपने 150 रुपये आटा का भी काउंट कर लिया और 100 रुपये वीट का भी काउंट कर लिया तो मुझे लगता है कि वीट का प्राइस भी 2 बार आ चुका है, क्योंकि 150 रुपये के आटे में ऑलरेडी 100 रुपये किसका है? इंक्लूडेड है, वीट का इंक्लूडेड है। तो अगर आप हर एक प्रोडक्ट का प्राइस ऐड करते चले जाओगे तो क्या होगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा और आपको प्रोडक्शन कितना नजर आएगा? ज्यादा नजर आने लगेगा। तो इसी से बचने के लिए सरकार ने बोला, बेटा दो चीज करो, या तो ऐसा बोलो कि फार्मर का प्रोडक्शन कितना? 100 रुपया। मिस्टर एक्स जिसने आटा बनाया उसका प्रोडक्शन कितना? और डोमिनोज वाले का प्रोडक्शन कितना? 200। इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आता है? 350। या तो आप इतना मेहनत करो, या एक काम करो, वीट कैसा गुड्स था, फाइनल या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट छोड़ दो इसको। आटा कैसा गुड्स था, फाइनल या इंटरमीडिएट? इसको भी छोड़ दो। पिज्जा कैसा गुड्स था? बस फाइनल गुड्स का प्राइस पकड़ लीजिए, हो गया। क्योंकि फाइनल गुड्स का प्राइस भी कितना है? कितने में बेचा उसने? 350 में। तो सरकार यही बोलता है कि या तो आप सिर्फ किसको काउंट करिए, वैल्यू एडिशंस को, या फिर आप किसको काउंट करिए? सिर्फ फाइनल गुड्स के प्राइस को। समझ में आ रहा है? अगर आप वैल्यू एडिशंस को काउंट करेंगे तो भी उतना ही आएगा। आप इंटरमीडिएट को छोड़ दीजिए, फाइनल गुड्स के फुल प्राइस को काउंट कर लीजिए तो भी उतना ही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो अल्टीमेटली किस में इंक्लूड हो जाता है? फाइनल में इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए क्या बोला गया कि जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करोगे तो सिर्फ किसको काउंट करना? सिर्फ फाइनल को काउंट कर लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं तो क्या होगा? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब अगर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस देख लेंगे तो शायद हम लोग का सारा शंका जो भी है दूर हो जाएगा। पहला क्या लिखा हुआ है? यूज। फाइनल गुड्स क्या इस्तेमाल करने के लिए रेडी है या नहीं है? फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज। और इंटरमीडिएट गुड्स? सर अभी इसमें कुछ ऐड होना बाकी है, दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज। रॉ मटेरियल, क्या फाइनल गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, फाइनल गुड्स तो कोई ना कोई क्या कर लेता है, फाइनली उसको इस्तेमाल कर लेता है, दीज आर कंप्लीट। और इंटरमीडिएट गुड्स को क्या हम रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सर, वीट को इस्तेमाल किया ना आटा बनाने के लिए, तो इनको हम रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात किया जाए रीसेल, क्या फाइनल गुड्स को दोबारा कोई बेचा जाता है कभी? भाई मेरे टेबल पे एक डोमिनोज का पिज्जा आ चुका है, दैट इज फाइनल। अब वो और किसी को दोबारा बेचा नहीं जाएगा, दैट इज अ फाइनल गुड्स, दीज आर नॉट रीसोल्ड। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को क्या दोबारा बेचा जा सकता है? मोबाइल फोन वाला एग्जाम्पल सर, हमने मोबाइल फोन खरीदा लेकिन उसके अंदर 500 रुपये ऐड करके फिर किसी और को हमने बेचा, तो वो हमारे लिए कैसा गुड्स हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। समझ में आया? फिर बोलते वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स के अंदर कोई और वैल्यू एडिशन नहीं होता, देर इज नो फर्दर वैल्यू एडिशन टू दीज गुड्स। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वहां पे एडिशन होगा। जैसे आटे वाले ने 50 रुपये ऐड किया, डोमिनोज ने 200 रुपया ऐड किया, देर इज अ वैल्यू एडिशन।
फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेशनल इनकम में बताओ किस गुड्स को पकड़ा जाएगा, फाइनल या इंटरमीडिएट? सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट को काउंट नहीं किया जाता है।